शामली ने पुलिस ने काटा विद्युत विभाग के लाइनमैन का चालान, तो लाइनमैन ने काट दी थाना भवन के थाने की बिजली। वहीं थाने पर विद्युत विभाग का हजारों रुपए था बकाया। आपको बता दें, जनपद शामली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विद्युत कर्मी शामली में थाना भवन थाने के बाहर लगे विद्युत पोल से थाने का विद्युत कनेक्शन काटते नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। वहीं वीडियो के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि शामली के थाना भवन में बिजली घर पर तैनात संविदा कर्मी लाइनमैन मेहताब का चरथावल तिराहे पर मोटरसाइकिल पर चालान काट दिया, जिसमें उसका 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जब वीडियो वायरल की पड़ताल की गई तो संविदा कर्मी लाइनमैन का कहना है कि उसकी तनख्वाह 5,000 रुपए है और उसका 6,000 का चालान काट दिया गया। वह मोटरसाइकिल पर लाइन चेक करने के बाद आ रहा था, उसने हेलमेट नहीं पहना था, तभी ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया और हेलमेट पहनने के लिए कहा और उसने कहा कि मैं विद्युत लाइन देखकर आया हूं और आगे से वह हेलमेट का इस्तेमाल करेगा और नियमों का पालन। लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए उसका चालान काट दिया कि विद्युत विभाग के कर्मचारी लूट खसोट करते हैं और बिल अधिक भेजते हैं, और अगर विद्युत कर्मचारी है तो चालान तो ज़रूर कटेगा। आपको बता दें, हालांकि घटना से यह बात तो बनती है कि 5,000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति 6,000 के चालान को कैसे चुकाएगा। वही यह भी कहना है कि अगर विद्युत कर्मचारी है तो चालान ज़रूर कटेगा, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।